नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज हम आए हैं गांव जुनामई, ये पासू के पास पड़ता है और यहां पर एक घर के अंदर बड़ा सा अजगर सांप घुस के आया है। तो चलिए चलकर देखते हैं कैसी स्थिति में और आपको दिखलाते हैं, काफ़ी बड़ा सा सांप बताया जा रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल अम्मा, समाज को पकड़ेंगे आराम से, बिल्कुल आप चिंता मत करो। आओ आओ देखो आप कैसे पकड़ते हैं। दोस्तों आ चुके हैं उस घर के अंदर जहाँ पर वो ये जो अजगर सांप बैठा है, काफी बड़ा सा ये सांप है। और सोचने वाली बात ये है कि ये इतना बड़ा सांप घर के अंदर आया कैसे और इस क्षेत्र में आया कैसे, जो जैसे कि ये सांप इस क्षेत्र का है ही नहीं। ये अक्सर कर पहाड़ी इलाकों में और तरल इलाके होते हैं उनमें ये पाया जाता है, लेकिन ये यहाँ तक आया है तो कैसे आया है? शायद यहाँ पर कोई नहर बंबा है आसपास। तो दोस्तों जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले बरसात का सीजन बीता है और बरसात के सीजन में जब बाढ़ आता है तो बाढ़ में ये पहाड़ी क्षेत्रों से ऐसे जानवर भी बहकर बाढ़ के पानी में इधर उधर फैल जाते हैं जहाँ के कि ये जीव होते नहीं हैं। तो ये गांव कौन सा है? जुनामई। सॉरी मैंने आपको पहले बताया था कि शायद सरवन्ना है, सरवन्ना नहीं, ये गांव जुनामई है। जुनामई के अंदर हम आए हैं और यहाँ देखिएगा रसोई के अंदर किस तरह से ये एक बड़ा सा अजगर सांप बैठा है जिसे देख करके कोई भी आसानी से डर सकता है। तो यहाँ पर ये किचन है और हाँ बहुत सांप पकड़े हैं। तो दोस्तों यहाँ पर शोर शराबा ज्यादा है, बाहर लेके चलते हैं खुले मैदान में और लोगों को इसको दिखलाते हैं। तो चलिए इसको पहले बाहर निकालते हैं, इधर आइए कैमरामैन।
शोरगुल ज़्यादा है, लोग सुनना समझना नहीं चाहते हैं, तो हमें लगता है कि इसको पैक करके और ले चलना चाहिए जंगल की ओर। तो चलिए, ये सोचने वाली बात यह है कि ये यहाँ तक आया कैसे। तो बता रहे हैं यहाँ पर एक बम्बा है और बम्बे के रास्ते ये पानी में बहते हुए यहाँ तक धानों के खेत में आया, धानों के खेत से ये लोगों के घरों तक आ पहुँचा है। तो इसको इसकी सही जगह पर पहुँचाने का हमारा जो है कर्तव्य है, तो इसको ले कर चलते हैं एक ऐसे एरिया में जहाँ का ये सांप है। कल्याण को पैक काफी वजनदार है। तो दोस्तों आ चुके हैं जंगल के बीच और देखिएगा एक ऐसा जंगल है यहाँ दूर दूर तक, आपको कैमरामैन दिखलाने की कोशिश करें, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी यहाँ तक एक ये बेहद जंगल है और ये एक सरकारी ज़मीन है और ये गंगा खादर का एरिया है जहाँ पर बहुत सारे जीव इस विशालकाय जंगल में रहते हैं और अपना जीवन जो है व्यतीत करते हैं। तो ये एक ऐसी जगह है यहाँ पर कोई भी लोगों का ज़्यादा आना जाना नहीं है, तो ऐसी जगह पर ही हम इन सांपों को आज़ाद करने के लिए फिर से आए हैं। तो चलिए, काफ़ी सारे सांप हैं हमारे साथ, तो उन सभी को हम आज़ाद करते हैं, आइएगा। तो कई सारी प्रजातियां हैं हमारे पास और इन सभी को इस जंगल में आज़ाद कर रहे हैं, क्योंकि ये जंगल अगर ठीक ना हो, अगर इनको गलत जगह पर रिलीज कर दिया तो ये तड़प तड़प कर अपनी जान दे देते हैं, अपना दम तोड़ देते हैं। तो जो हमारा कार्य है वो कार्य अच्छे की जगह बहुत बुरा बन जाता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम ब्लैक हेडेड रॉयल स्नेक सांप से, जो होता तो बहुत सुंदर है दिखने में लेकिन अपनी आदत से वो लोगों को डराने की कोशिश करता है, जिसका नाम है ब्लैक हेडेड रॉयल स्नेक। इसको ज़रा सा भी टच करते हैं तो ये अपनी फुंकार से, अपनी आवाज़ से इंसान को या किसी भी जानवर को डराने की पूरी कोशिश करता है। इसकी आवाज़ अब आप महसूस कर रहे होंगे, तो इसको जाने देते हैं। कैमरामैन हाथ को साध कर सीन को लीजिएगा। ये गया काफ़ी फुर्ती के साथ। अब इसके बाद में बारी आती है हमारी रेड स्नेक। ये काफ़ी बड़ा सा रेड स्नेक सांप है और काफ़ी स्पीड के साथ, मुझे लग रहा है ये हमारी गाड़ी के अंदर ही ना कहीं छुप जाए, लेकिन ये गया, चला गया। तो ये गया दूसरे रास्ते। कभी कभी सांप जब हम छोड़ने आते हैं तो हमारी गाड़ियों के अंदर ही वो कहीं ऐसी अंजरों मंजरों में घुस जाते हैं जो हमारे ध्यान से चूक जाते हैं, और कहीं रास्ते में अचानक से वो जब निकल के सामने आ जाते हैं तो दिल में धक सी हो जाती है। एक बार ऐसा हो चुका है, एक सांप अचानक से गाड़ी में ही निकल के आ गया था और हम ताज्जुब कर गए थे कि ये सांप कहाँ से आया। तब हमने दिमाग लगाया कि अभी कुछ दिन पहले हम सांपों को छोड़ने गए थे, जहाँ हमने बहुत सारे सांपों को छोड़ा था वहीं से कोई सांप घुसकर वापस आ गया था। तो दोस्तों यहाँ पर, हाँ बिल्कुल कोई नहीं, तो दोस्तों यहाँ पर अभी दो भाई आ चुके हैं हमारे काम के बीच और ये यहाँ से गुजर रहे थे। तो भाई सब, क्या नाम है आपका? देवेंदर। अच्छा देवेंदर, कौन सा गांव है आपका? ये गंगाबास। गंगाबास, अच्छा। और भाई? सत्यवीर सिंह। अच्छा अच्छा, ये गंगाबास गांव है? हाँ जी। तो याद होगा आपके गांव में एक अजगर सांप निकला था, ईख के खेत में, वो रास्ते पे जो निकला था, तो उसको कौन पकड़ने आया था ये आप पता है आपको? नहीं हमने नहीं देखा, पर पकड़ के तो ले गए थे ये पता है। अच्छा, उसको हम ही पकड़ के ले गए थे, पुलिस की गाड़ी जो आई थी, है हाँ, उसको हम ही पकड़ के ले गए थे। चलिए, उसी गांव के कुछ जानने वाले लोग मिल गए हैं और आज इनके सामने हम इन सांपों को आज़ाद कर रहे हैं। तो अब इस वक्त हमारे पास हैं ये तीन वाटर स्नेक, चिकल्ड किलबैक के नाम से जिनको जाना जाता है। ये पानी वाले सांप हैं
और यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ माँ गंगा यहाँ पर बहती हैं। देखिएगा ये किस तरह से उछल उछल के चलता है, और मुझे नहीं, मैं नहीं चाहता कि ये हमारी गाड़ी के अंदर घुस जाए। तो अब इसके बाद में एक और इसके अंदर मौजूद है, ये रहा कैमरामैन, इसका हुलिया और इसकी पहचान लोगों को करवाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अटैकफुल सांप होता है। अक्सर कल लोगों को घरों के अंदर ये सांप काटते हैं, और लोग ऐसे सांप के काटने के बाद में वैद्य हकीमों के पास दवा खाने के लिए चले जाते हैं। जैसे कि ऐसे सांप के काटने से किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलिए इसके बाद में अब बारी आती है एक बहुत ही जहरीले सांप की, जिसको आप भली भांति ही जानते होंगे, और मुझे नहीं लगता भारत में कोई इस सांप को ना जानता हो और इसकी पहचान उसको ना हो। तो ये है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, भारत का बहुत ही जहरीला और जाना माना नाग। तो देखिएगा इसको सांपों में सबसे सुंदर सांप और ख़तरनाक सांप भी माना जाता है, क्योंकि इसके जो बैठने का स्टाइल होता है ये बहुत ही अलग होता है सब सांपों से, इसकी बनावट जो है अलग होती है बिल्कुल ही। तो देखिएगा जब जब इसके आगे कोई भी चीज़ हिलती रहती है, कोई चीज़ मूवमेंट करती रहती है, तो ये इसी तरह से फन फैलाकर बैठा रहता है। और लोगों का ये मानना होता है कि जब सपेरा उसके आगे इस तरह से बीन बजाते हैं तो कि ये बीन पर नाच रहा है, लेकिन नाचता नहीं है, ये उस बीन की बनावट को, उसके कलर को फॉलो करता है इस तरह से। इस तरह से जब सपेरा जब बीन को हिलाता है इसके आगे, तो हमारी ये रॉड कुछ अभी सिंपल ही है, ज़्यादा कलरफुल नहीं है। अगर कलरफुल चीज़ ये इसके आगे कोई भी चीज़ हम हिलाएंगे तो ये इस कदर मूवमेंट करना शुरू कर देगा, जैसे कि ये देखिएगा जिधर मैं इस कलरफुल चीज़ को दिखलाऊंगा उधर ही ये अपना हुड को कर लेगा। देख पा रहे होंगे आप, समझ पा रहे होंगे, जैसे ही कोई कलरफुल चीज़ इसके पास आती है या इसकी तरफ आती है तो ये उससे डरने लगता है और अपनी सेफ्टी में उस पर अटैक करने की फिराक में पूरी तरह से पोजीशन ले लेता है। और जब तक कोई इंसान इसके आसपास टहलता रहेगा और ये कहता रहेगा कि बाबा जाओ, भोले बाबा चले जाओ, तो ये ऐसे जाने वाला नहीं है। अगर आप उस जगह को छोड़ के चले जाओगे तो कुछ ही सेकंड के बाद ये भी उस जगह को छोड़कर चला जाएगा। तो चलिए अभी इसके फोकस को हम तोड़ते हैं और इसको जाने की अनुमति देते हैं। ये जंगली इसका घर है, तो ये इस देश की धरोहर है, तो इसको जो है सुरक्षित रखना हमारा जो है फर्ज है, कर्तव्य है। तो जाइए तुम घरों के बासी नहीं हो, घर में लोग तुम्हें लाठी डंडे से पीट पीट कर मार देंगे, इस वजह से हम तुम्हें जंगल में लेकर आए हैं, जाइए जाइए जाइए। अब ये फन उठाकर किस इतनी अच्छी पोजीशन लेकर जा रहा है, और ये चला भी गया। तो एक और ख़तरनाक सांप की जो अजगर सांप, जिसको हमने अभी अभी कुछ समय पहले गांव जुनामई से जो है रेस्क्यू किया था। तो देखिएगा काफ़ी बड़ा सा ये सांप है और सोया हुआ है इसके अंदर, तो इसको हम जगाने की कोशिश करेंगे। निकल आओ भाई, ये छोटी सी जगह तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है, मैं चाहता हूँ ये बड़े से जंगल में तुम जा कर के राज करो और मौज करो। तो जाओ आप, शर्माओ नहीं, तुम्हारा ठिकाना आ गया है। ओफो, सीन को लीजिएगा कैमरामैन, इसके चलने का स्टाइल लोगों को देखना चाहिए, दूर से लीजिएगा। चलो तो देखिएगा कितनी तेज़ रफ्तार में ये यहाँ से गया है, और ये ऐसी ही झाड़ियों का आदि रहता है रहने का। और ये देखिए यहाँ पर आ गया है कैमरामैन, दिखाने की कोशिश करिएगा। यहाँ से दूर दूर तक दिखने वाला जंगल इसके लिए काफ़ी है, इसको रहने के लिए, और यहाँ पर ये अन्य जीवों का शिकार कर कर अपना पेट पालन कर सकेगा और अपनी जो भी क्रिया है इस पर्यावरण के लिए, इसकी जो भी ज़रूरत है उसको भी पूरा कर सकेगा। तो चलिए इसी के साथ सारे सांप हो गए आज़ाद, और फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।